अब बारी है कहानी की। आज की कहानी का शीर्षक है संयम का प्रभाव। बच्चों, आपने विवेकानंद जी का नाम तो सुना ही होगा। जब वे बड़े हो गए तब घर वालों ने उन्हें कहा कि अब तुम जवान हो गए हो, अब तुम्हारे लिए लड़की खोजी गई है। तब विवेकानंद जी बोले, नहीं, मैंने शरीर को भोग की दलदल से बचाने का निर्णय किया है। धरती की कोई भी महिला अब मेरे लिए माँ काली है। विवेकानंद जी संयमी रहे, शादी नहीं की, संयम व्रत पाला तो कितने प्रतिभा संपन्न हो गए। उनकी इतनी एकाग्रता थी कि पुस्तक पढ़कर किसी को भी दे देते और कहते कि अब तुम किसी भी पन्ने से कुछ पूछ लो, और उसे पृष्ठ संख्या बताते हुए सही वर्णन कर देते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जहाज में विदेश जा रहे थे, तब एक ईसाई उनसे कुतर्क करने लग गए। ईसाई उनके पास जाकर हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलने लग गए। विवेकानंद जी उनकी बातों को संयम से सुनते सुनते आखिर में खड़े हो गए और एक ईसाई की कॉलर पकड़कर बोले, हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध एक शब्द भी बोला तो तुम्हें जहाज से बाहर फेंक दूंगा। मिशनरी ने क्षमा याचना करते हुए कहा, मुझे छोड़ दीजिए महाशय, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद वो बोल नहीं पाया। स्वामी विवेकानंद का साकार शरीर तो नहीं रहा, परंतु उनके संयम, हिंदुत्व प्रेम एवं विचारों की सुवास करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय तक पहुंची है। आज विषय विकारों का अंधा तूफान चल रहा है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी के वचनों की युवा जगत को बहुत आवश्यकता है। इन्हें बहुत महत्ता देनी चाहिए।